तो फोर्स के अंदर सबसे पहले जब बात फोर्स की होगी तो न्यूटन की ज़रूर होगी, क्योंकि न्यूटन ने तीन लॉज निकाले थे फोर्स के, या आप ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, जिसमें तीन लॉज थे। पहला लॉ न्यूटन का क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी। रेस्ट पे पड़ी हुई चीज़ मोशन में नहीं आ सकती, मोशन पे पड़ी हुई चीज़ रेस्ट पे नहीं आ सकती, जब तक उस पर क्या नहीं लगाई जाती, एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आप कहेंगे डेफिनेशन लिखवाई नहीं, आती नहीं है, क्या करोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख के? तो मैंने भी नहीं लिखी आपकी बुकलेट में, क्या ही पढ़ोगे, समझ में आती है आपको? जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ रहा था तो साथ में एक नई चीज़ निकल के आई जिसको बोलते हैं एनर्शिया। एनर्शिया भी सुना हुआ है आपने, क्या होता है एनर्शिया? स्टेट ऑफ टू रिमेन इन रेस्ट या मोशन। ओके, मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, टाइट डेफिनेशन है कि इनएबिलिटी ऑफ दी बॉडी कि कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ जो है रेस्ट या मोशन चेंज नहीं कर सकती, ऐसा ही तो इनएबिलिटी ऑफ दी बॉडी है। व्हाट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या हम, मैं कैसे बोलूं, मास एम एल स्क्वायर क्यों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं इनर्शिया पूछ रहा हूं सिर्फ, मास, ओनली मास। तो व्हाट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास। भाई अगर कोई पतला इंसान मिल जाए कह देना तेरा इनर्शिया कम है भाई, ठीक है, तेरे को धक्का मारना बड़ा आसान है, तू रेस्ट पे बैठ, देख तेरे को मैं पुश करके दिखाता हूँ, तू 1 मिनट में कम फोर्स से पुश हो जाएगा। कोई भारी आदमी बैठा है वो कहेगा यार ये तो हिल ही नहीं रहा, तो आप ये नहीं कहें मोटा है, ये ना कहें, आप बोलें इसका इनर्शिया ज़्यादा है, थोड़ा अच्छा लगेगा, इनर्शिया ज़्यादा है इसको धक्का मारना बहुत मुश्किल है। ना ना, ऐसे नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया, इनर्शिया समझ में आया क्या चीज़ है? तो इनर्शिया इनएबिलिटी ऑफ दी बॉडी है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है तो अपने आप नहीं मूव कर सकती, मोशन में रुक नहीं सकती। तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि मैं रेस्ट की बात कर रहा हूँ तो रेस्ट की बात करते हैं कि इनएबिलिटी ऑफ दी बॉडी है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है तो वो अपने आप मूव नहीं कर पाएगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, फोर्स। इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर कोई बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है वो रुक नहीं सकती, चाहे एयर की फ्रिक्शन उसे रोके, चाहे ग्राउंड की फ्रिक्शन रोके, चाहे वो आप रोकें, तो वो रुक नहीं पाएगी जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लगाई जाती, फोर्स। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। कोई बॉडी दुनिया में अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकती जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, एक्सटर्नल फोर्स, कोई नहीं कर पाएगी। एक पत्थर को आपने धागे से घुमाना शुरू किया गोल, आप धागा तोड़ दें, देखो पत्थर कभी गोल नहीं घूमेगा, वो टेंजेंशियल सीधा जाएगा, एक्चुअल में वो सीधा ही जा रहा था, आपकी रस्सी उसे अपनी तरफ खींच के डायरेक्शन चेंज कर रही है, फिर खींचा डायरेक्शन चेंज कर रही है, फिर खींचा डायरेक्शन चेंज, फिर खींचा डायरेक्शन चेंज, आपकी रस्सी टूट गई, खींचना बंद, सीधा। तो यानी कि कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर क्या ना लगाई जाए, एक्सटर्नल फोर्स। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये इनर्शिया हैं तीन किस्म के। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बात नहीं, लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या है, इसका सिंबल पी है, पी सुना होगा आपने, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अगर भारी पत्थर बहुत तेज़ हमारी तरफ आ रहा है मतलब मोमेंटम बहुत ज़्यादा है इसका, राइट। या फिर हम ये बोलते हैं अगर बहुत बड़ा ट्रक हमारे पास आ बहुत तेज़ी से, ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रक का मास भी बड़ा है, ट्रक की वेलोसिटी भी बड़ी है। तो एम इंटू वी का प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर वर्ड इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर जो बॉडी स्टडी कर रहे हैं आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी गोल घूमे उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वर्ड लगाते हैं। तो यहां पर लीनियर है क्योंकि हम अभी सर्कुलर मोशन स्टडी नहीं किया हमने, क्योंकि अब बात वेक्टर हम कर चुके हैं, बताना पड़ेगा, क्योंकि वी इज अ वेक्टर तो पी इज अ वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वी है उस डायरेक्शन में पी है। अगर एक बुलेट चले, गोली चले, गोली का मास कुछ भी नहीं होता पर मोमेंटम बहुत हाई होता है, क्यों, उसकी वेलोसिटी बड़ी होती है। तो एम या वी में से कोई भी चीज बढ़ी तो मोमेंटम बढ़ा, और अगर दोनों चीजें बढ़ी फिर तो मोमेंटम और भी बढ़ा, ठीक। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एफ, मान लो एक फोर्स है जो एक बॉडी पे लगी जिसकी वेलोसिटी यू थी, क्योंकि आपने फोर्स लगाई,
फोर्सेज मास इनटू एक्सेलेरेशन मींस एक्सेलेरेशन प्रोवाइड की, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी कितनी होगी यू से वी हो गई, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू, फाइनल मोमेंटम एम वी, मोमेंटम बढ़ गया, क्यों आपने फोर्स लगाई। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है जो फोर्स है दैट इज प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई मुझे बताएगा कि कैलकुलस क्यों ले आया बीच में? नहीं वो तो है, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन को ये डर है कि कहीं आप फोर्स कम ज़्यादा तो नहीं लगा रहे, इंस्टेंटेनियस हो सकता है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी यू से भी हो गई जी, है ना, आप इनिशियल फाइनल ले रहे हो तो वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या आप तुमने ऐसा खेल खेला हो 10 10 10 10 10 10 10, जब आखिरी 0.1 सेकेंड रह गया वहाँ आपने 20 कर दी, अब तो तुमने शुरू में तो फोर्स लगाई नहीं और बाद में तुमने 0.1 सेकेंड में फोर्स लगा दी, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा आप हर इंस्टेंट पे कितनी फोर्स लगा रहे हो। इसलिए उसने किसको यूज किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ताकि वो इंस्टेंटेनियस चेक कर सके किसी भी टाइम पे कि आपने क्या फोर्स लगाई। तो एफ इज प्रपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और यहाँ पर प्रपोर्शनल हट के कॉन्स्टेंट आएगा और कॉन्स्टेंट यहाँ पर वन होता है, तो एफ फिजिकल टू डीपी बाई डीटी, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोमेंटम क्या होता है, एम इन टू बी, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या होती है एक्सेलेरेशन, तो क्या बना एम इन टू ए। आप फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करना चाहें तो बस ये नोट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अंडरलाइन कर लें बुकलेट के अंदर, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है यहाँ तक, तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे करेक्शन कर लें बुकलेट में, ये डेल्टा टी है क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस फोर्स है, अगर एवरेज फोर्स निकालनी हो तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डी पी बाय डी टी की जगह डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम एवरेज फोर्स है। तो ये स्टेप भी क्लियर है। न्यूटन का लॉ जब आप यूज़ करते हैं एफ इजिकल टू एम इन टू ए, इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का ब्लॉक है, आपने फोर्स कितनी लगाई 2 न्यूटन और यहाँ से कितनी लगाई 10 न्यूटन, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट फोर्स कितनी लगी 10 में से 2 गया 8, 8 न्यूटन लगी। तो आपने जब एफ इज एम इन टू ए लगाना है तो यहाँ पर एफ का मतलब है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में क्या आएगा 8 is mass 10 into a, यहाँ से एक्सलेशन आएगी। क्या स्टेप क्लियर है, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करके इज मास इंटू एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी। कोई डाउट, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट के अंदर यह बताया जाता है कि अगर आपके पास ये सरफेस है और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट मान लो मास सॉरी 5 kg है, इसका वेट क्या होगा 5 किलो, तो मास है ना, वेट क्या होगा 5 into g, g का मतलब 10, 50 न्यूटन। तो इस ब्लॉक ने ग्राउंड पे फोर्स लगाई 5g, इसे एक्शन बोलते हैं, तो बदले में ग्राउंड ने इसके ऊपर बराबर फोर्स लगाई कितनी 5g, इसको रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन आर एक फोर्स है, कभी कभी आर लिखते हैं, कभी कभी इसको एन भी लिखते हैं, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्शन की फोर्स है वो सरफेस के साथ हमेशा एंगल क्या बनाती है 90, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? तो एक क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्या ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करती हैं कि अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करती हैं, सेम बॉडी पे कि डिफरेंट बॉडीज पे? गलत, डिफरेंट बॉडीज पे, क्योंकि
एक्शन किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया, ग्राउंड पे लगाया। तो एक्शन किस पे लगा? ग्राउंड पे। और रिएक्शन फोर्स किस पे लगी? ऑब्जेक्ट पे। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, ग्राउंड पे भी फोर्स लगी और ब्लॉक पे भी लगी, तो डिफरेंट पे, एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन एक्ट नहीं करता। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये इसकी न्यूटन के लॉस की इंट्रोडक्शन थी।